नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की एक धमाकेदार स्कीम के बारे में, जिसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो काफ़ी अच्छा पैसा बनने वाला है इसके अंदर। साथियों बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का दूसरे बड़ा सबसे बड़ा बैंक है, काफ़ी अच्छा बैंक है, बहुत सारे लोगों के अकाउंट है, गांव-गांव में फैला हुआ बैंक है, इसलिए आप इसमें ट्रस्ट आराम से कर सकते हो और पैसे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। साथियों आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे यारों और वीडियो को लाइक कर दो। साथियों सबसे पहले हम बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा की ये स्कीम का नाम है बड़ौदा बीएनबी परिपास मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, आज यानी कि एक म्यूचुअल फंड है। दोस्तों म्यूचुअल फंड मतलब क्या? म्यूचुअल फंड मतलब पैसा जाता है शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा जाता है इसलिए रिस्क है इसके अंदर, इसलिए आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए। जितना आपकी इनकम है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए, बहुत ज़्यादा मत डाल दीजिए। आपकी इनकम कम है और पैसा ज़्यादा डाल दिए ऐसा मत कीजिए, जितना आपकी इनकम है उसके हिसाब से आप डाल सकते हो इसके अंदर। साथियों आगे बढ़ते हैं, इस फंड ने कितना रिटर्न दिया है? ये फंड मार्केट में आया तब से एक साल में लास्ट इसने दिया है 32.40, यानी कि एफडी से 3 से 4 गुना रिटर्न ये दे रहा है। अभी बात करें तो 3 साल की, तो 3 साल का रिटर्न है 24.12, यानी कि 24% इसने रिटर्न निकाल के दिया है लास्ट 3 साल में। अभी बात करते हैं 5 साल, तो 5 साल का इसका रिटर्न है 20.14%, काफ़ी अच्छा रिटर्न है। एफडी से आराम से आप 2 से 3 गुना यहाँ पे रिटर्न ले सकते हो। अभी ऑल टाइम यानी कि जब से फंड आया है तब से इसने रिटर्न निकाल के दिया है 16.32, यानी कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। इसमें आप पैसा इन्वेस्टमेंट करना है तो कर सकते हो। अभी बात आती है पैसा इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। आप इसमें SIP कर सकते हो, SIP मतलब हर महीने पैसा कटेगा आपके अकाउंट में। अगर आप नौकरी करते हो, सैलरी आती है तो SIP करवा सकते हो। 500 रुपये से स्टार्ट होती है, 500, 1000, 2000, 5000, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप SIP कर सकते हो। अभी साथियों बात करें अगर लमसम एक साथ डाल देना है, भाई मेरे पास भी 2-5 लाख पड़े हैं मैं डाल दूँ, तो हाँ ठीक है डाल सकते हैं, 5000, 10000, 50000 जितना आपको डालना है डाल सकते हैं एक साथ। अभी साथियों हम आगे बात करें तो इसका फंड साइज यानी कि कितना पैसा लगा हुआ है इसके अंदर, 2022 करोड़ रुपया लोगों ने लगाया है, यानी कि इतना सारा पैसा लगा हुआ है इसके अंदर, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं, काफ़ी अच्छा फंड है। अभी आगे हम बात करें तो ये फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या है? एक्सपेंस रेशियो है 1.08। एक्सपेंस रेशियो मतलब क्या? आपका फंड म्यूचुअल फंड मैनेज करता है वो आपके पास चार्ज लेता है, फ्री में थोड़ी करेगा, उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। अभी आगे बात करते हैं एग्जिट लोड। एग्जिट एक साल के बाद अगर आपको नहीं रखना है, भाई मेरे पैसे वापस दे मुझे नहीं रखना है, तो 1% पेनल्टी 1 साल पहले है, 1 साल के बाद कुछ नहीं है, पेनल्टी नहीं लगेगी। अभी बात करते हैं आपके पास तो इसने पैसा ले लिया, चलो फिर ये डालता कहाँ पे है पैसा? तो यहाँ पे है HDFC बैंक लिमिटेड, आप देख सकते हो इसकी होल्डिंग्स। HDFC बैंक में इसने 3.80% डाल दिया है, ICICI बैंक में 3.70 है, रिलायंस में 2.65 है, फिर जोमेटो में इसने 2.64 डाले हैं, TVS मोटर कंपनी में 2.44 है, L&T में 2.44 है, फिर यहाँ पे देखने रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब में है 2.40%, फिर इंडसइंड बैंक में है 2.30%, फिर रेडिको खेतान लिमिटेड में है 2.25%, फिर टाटा मोटर्स में 2.25% है 2.15%, यानी कि ये सब अच्छी कंपनी है, कुछ बड़ी कंपनी है, कुछ छोटी कंपनी है, कुछ मीडियम कंपनी है, इसलिए इसमें पैसा सब सेफ वगैरह अच्छी अच्छी कंपनी है, इसलिए सेफ रहने की संभावना भी ज़्यादा है। अभी बात करते हैं आप 2000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करोगे तो कितना पैसा मिलेगा। यहाँ पे आप 2000 रुपये 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 2,40,000, उसके सामने आपको मिलेगा 5,93,000 रुपया, बस इतना। अभी रुको एक मिनट रुको, आगे बढ़ते हैं। अगर आप 2000 रुपये 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है 3,60,000 आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और मिलेगा 14,97,000 रुपया, यानी कि करीबन 15 लाख रुपया। अभी आगे बात करें अगर आप 2000 रुपये 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करोगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 4,80,000 रुपया और उसके सामने आपको बेनिफिट मिलने वाला है 34,99,000, यानी कि 35 लाख रुपया आपको मिल जाएगा 20 साल बाद। आज खाली आपको 2000 रुपये महीने डालना है। अभी बात करते हैं अगर 2000 रुपया 25 साल तक इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका पैसा टोटल हो जाएगा लॉक 6 लाख, उसके सामने मिलेगा 79,30,000, यानी कि 80 लाख रुपया। 25 साल तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको 25 साल बाद 80 लाख रुपया मिलने वाला है। अभी आगे बात करें तो 2000 रुपया आप 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट 7,20,000, उसके सामने मिलेगा 1,70,00,000। दोस्तों काफ़ी अच्छी स्कीम है, आज ही आप बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर ऑनलाइन विजिट करके
आप म्यूचुअल फंड ले सकते हो, म्यूचुअल फंड का पैसा शेयर मार्केट में जाता है, इसलिए आप सोच समझ के लीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।